साल 2023 का आगाज हो चुका है, नए साल के साथ नई शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही व्रत त्योहार भी शुरू हो चुके हैं। नए साल में पढ़ने वाले पहले व्रत की बात करें तो ये पौष पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत को खासा महत्व दिया गया है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई इस व्रत को करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत खासकर संतान संबंधी संकटों को दूर करने के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। बता दें कि ये व्रत 2 जनवरी यानी कि सोमवार को रखा जाएगा। इसके शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये 1 जनवरी की शाम 7:12 से हो रहा है। इसका समापन 2 जनवरी को शाम 8:24 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 3 जनवरी को किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।